डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं विनोद गुप्ता रियल स्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। आज मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट पर डिस्कशन करना चाहता हूँ और साथ में मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अगर पेड कंसल्टेंसी हमारी यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें आपका प्लॉट है रखना चाहते हैं, या कहाँ आपको पैसे लगाने हैं, तो उसके लिए आप हमारी मेम्बरशिप लीजिए, जिसके चार्जेस हमारे 500 रुपीज़ है और उसके बाद आप कभी भी हमारे से बात कर सकते हैं। तो आप अगर पर्सनल फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 500 रुपीज़ विच विल बी इंक्लूडेड एज मेंबर टू सोना गुप्ता, एंड आप हमारे से सलाह किसी भी चीज़ पे, इन्वेस्टमेंट्स में रिटेन करना है, खरीदने कहाँ कब पैसे लगाने हैं, कितना बढ़ेगा, ये सब बातें हमको आपको बताएंगे। दूसरी बात, आज एक बाज़ार के अंदर ना पैनिक बना हुआ है कि रेरा की न्यूज़ आ गई है, और रेरा की जो न्यूज़ आ गई है वो 26 मीटर 32 मीटर मैं रोहिणी की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 34, 28, 29, 30 की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारे काफ़ी दोस्त पैनिक में हैं कि 50 मीटर से नीचे आपको 3 मंजिल मकान ही आप बना पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो छोटे प्लॉट हैं उसको 2 मिला के आप नक्शा पास करा के मकान बना सकते हैं, जो कि 26 मीटर का भी प्लॉट हम जिसे बोलते हैं, तो 26 × 2 वो 52 मीटर हो गया, और दूसरा 32 मीटर × 2 वो 64 मीटर हो गया। यानी दोनों क्राइटेरिया हमारा, जो रोहिणी की हम बात करेंगे, रोहिणी में DDA द्वारा कोई भी 26 मीटर से कम प्लॉट नहीं दिया हुआ है। अब आपका प्लॉट अगर 50 मीटर से ऊपर है तो रेरा ने कहा हुआ है कि आपको FAR 350 है। रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल 26 मीटर हो या सिंगल 32 मीटर है, उसका FAR 350 है। 350 का मतलब ये हुआ कि आप 3.5 गुना अपने प्लॉट का मकान बना सकते हैं, मंजिल 3 बना सकते हैं। मान लो आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 26 मीटर जोड़ा हो गया, 32 मीटर जोड़ा हो गया, वो 50 मीटर से ऊपर हो गया, तो उसका भी FAR 350 है। और इसके साथ आप 4 मंजिल जो अथराइज रेरा ने अप्रूव किए आप बना सकते हैं, बेच सकते हैं, सबकी रजिस्ट्री होगी। नंबर 2, आज मैं स्पेशल ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बनाना चाहता हूँ जिनके पास सिंगल 26 मीटर या 32 मीटर प्लॉट है, वो बेचना चाहते हैं, या उनके पास प्लॉट है, या किसी ने प्लॉट लिया हुआ है, तो उनको पैनिक में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आम तौर पर और वीडियो मैंने काफ़ी देखी हैं और मैं किसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, आपके पास 26 मीटर का सिंगल प्लॉट है, आप का FAR 350 है, 3.5 गुना आप बना सकते हैं, आप ग्राउंड फ्लोर बनाइए, फर्स्ट फ्लोर बनाइए, सेकंड फ्लोर विथ आप डुप्लेक्स बना दीजिए, आपकी कॉस्टिंग कम आएगी, पैसे आपको उतने ही मिलेंगे। जितना हमारा 350 FAR बनाने में पैसा लगेगा उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट आएगा। दूसरा, 32 मीटर अगर हमारे पास प्लॉट है और उसमें भी FAR 350 है, इसका मतलब ग्राउंड बना सकते हैं, फर्स्ट बना सकते हैं, सेकेंड बना सकते हैं, और थर्ड फ्लोर अगर हम नहीं बना रहे एज पर ऑफिशियल तो हम उसमें सेकेंड फ्लोर में डुप्लेक्स बना देंगे। डुप्लेक्स बनाने के बाद हमारी जो कीमत है ऊपर कंस्ट्रक्शन ही एक तो आधी हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। और दूसरा, अगर 26 मीटर पेयर और 32 मीटर पेयर आपने खरीद लिया है तो आप 4 मंजिल बना सकते हैं, जिसका FAR भी 350 है। अब ये सब मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपके पास 26 मीटर का प्लॉट है या 32 मीटर का प्लॉट है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने कमज़ोर होकर अपना प्लॉट नहीं बाज़ार के अंदर बेचना है। आपके पास बहुत सारी ऑफर आएंगी, बहुत सारा आपको पैनिक दिया जाएगा, जी अब तो 3 मंजिल बनेगा, अब तो 3 मंजिल बनेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट ने ये दिमाग में रखा हुआ है, रेरा ने, DDA ने, कि छोटा प्लॉट है वो एक गरीब आदमी के पास होता है, एक मिडिल क्लास के पास होता है, और ज़्यादातर आबादी दिल्ली के अंदर छोटे प्लॉटों में रह रही है, तो उसमें मंजिल 4 ना बना के FAR 350 कर दिया है। और उसमें आप आज की डेट में भी ऑफिशियल आप
सेकेंड फ्लोर पे डुप्लेक्स बना सकते हैं जिसकी कीमत आपको पूरी मिलेगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, मार्जिन आपको बराबर ही मिलेगा। तो इसलिए आपको अगर बाज़ार से कॉल आती हैं कि आपका 3 मंजिल हो गया, आपका 40 लाख का बिकेगा जी, 30 लाख का, 35 लाख का, मेरे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपका प्लॉट कहीं साइज छोटा नहीं हुआ है। और बनाने का जो हम बात करेंगे वो जोड़े बन के ही बिकते रहे हैं, 24 की बात करेंगे हम, 28 की बात करेंगे हम, 29 की बात करेंगे, तो सभी जगह जोड़े बनकर ही बिकते रहे हैं। तो इसलिए पैनिक में आके आप अपने प्लॉट को सस्ता बाज़ार के अंदर ना बेचें। दूसरा, 32 मीटर में भी ग्राउंड बन गया, फर्स्ट बन गया, सेकंड में आपने डुप्लेक्स बना दिया, 3.5 मंजिल अलाउड है ही आपको वैसे भी, तो आप सेकंड फ्लोर विथ रूफ राइट उसको बेचते हैं तो डुप्लेक्स बन गया, जगह तो आपको उतनी मिली है। हाँ, हालांकि पहले जो 4 फ्लोर बिकते थे अब वो 4 की बजाय आपको 3.5 फ्लोर बनाना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से मार्जिन में कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इल्लीगल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व थे उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा, और हम कोई भी बात करते हैं इल्लीगल एक्टिविटीज़ की, हम कोई बात करते नहीं हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें, सब 2-2 कमरे ऊपर भी बना रहे थे, वो अब बना नहीं पाएंगे, और गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नहीं है कि उसने कोई गलत स्टेप उठाया। मेरे दोस्तों, छोटे प्लॉट में 350 FAR है, इससे बड़े प्लॉट में 500 गज के प्लॉट पे 200 FAR है, यानी 200 का मतलब 500 गज का प्लॉट है, तो आप उसको 2 मंजिल पूरा बना सकते हैं। 4 मंजिल बनाओगे तो आपको स्पेस आधी आधी उसमें बनानी पड़ेगी, लेकिन आपका जो 26 और 32 मीटर का प्लॉट है उसमें तो आप 100% कवरेज करके वही 4 मंजिल बना सकते हैं। 1 मंजिल जो ऊपर की है वो 3.5 हो जाएगी, वो डुप्लेक्स की फॉर्म में हो जाएगा। तो कोई छोटे प्लॉट पर, मेरे दोस्तों, मेरा अपना हिसाब है और मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ कि आपका कोई नुकसान नहीं है, आप पैनिक में आके अपने प्लॉट को मत बेचिए। आप खरीदना चाहते हैं, गलत अफवाह में मत आइए। जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ में जो फ्लोर्स बन रहे थे जिसका कोई नक्शा नहीं होता था, वो लोग भी अब मजबूरन पक्के एरिए में आएंगे, DDA के प्लॉट्स में आएंगे। तो मेरा अनुमान ये है कि हमारे जो प्लॉट्स हैं 26 मीटर 32 मीटर सिंगल में भी रेट बढ़ेगा और जोड़े में भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि कल अगर 20 आदमी मकान, 30 आदमी, 40 आदमी पक्के एरिए में खरीद रहे थे, आज 80 आदमी पक्के एरिए में मकान खरीदेंगे, सारा लोन उनको मिलेगा, मैप सब जगह पास हो रहा है। इसलिए आप पक्के एरिए में कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आपके पास है, रिटेन कीजिए, बिल्कुल पैनिक बाज़ार के अंदर मत लेके सोचिए। मैं आज स्पेशल ये वीडियो मेरे भाइयों 26 मीटर और 32 मीटर 26 मीटर जोड़ा और 32 मीटर जोड़ा जो है उसके बारे में बात करूँ, और स्पेशली दिस इज स्पेशलाइज फॉर दोज पीपल जिनके पास 26 मीटर 32 मीटर का प्लॉट है। बिल्कुल भी कमज़ोर होकर अपने प्लॉट को ना बेचना, और इसका फ़ायदा दूसरे उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दोस्तों, आपको कोई सलाह लेनी है, आप विनोद गुप्ता सोना गुप्ता प्रॉपर्टी से संपर्क कर सकते हैं, रोहिणी की हमारी स्पेशलाइजेशन है, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि UER2 कंप्लीट होने जा रही है 2-3 महीने में। इसके साथ में मेरे दोस्तों, आपका जो मेट्रो एक्टिविटीज़ है वो रिठाला से कभी भी दिसंबर जनवरी में शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, रोहिणी में एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस सलाह आपको चाहिए तो सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पर आप विनोद गुप्ता से संपर्क कीजिए, और आपके जो प्लॉट हैं अब देखना कितनी रफ्तार से जनवरी में रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 3 दिसंबर की हम इंतज़ार कर रहे हैं, सबको उम्मीद है कि भाई कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा, जैसे ही कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा तो रियल स्टेट में एकदम छलांग आ जाएगी। सो बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इनटू रियल स्टेट, एंड मेरे दोस्तों कोई सलाह लेनी है आपने तो पेड सर्विसेज हमारी यूज कीजिए। थैंक यू।